This is the parallelogram law of vector addition. Suppose there is a two vector. This is the vector P and this is a vector Q. और इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है? तो हम करेंगे क्या, हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है? इस पैरेललोग्राम हम ये जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको एक ही पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट, विदाउट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन सेम कैसे है ये पता चलेगा अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ बराबर होनी चाहिए। अब ये हो गया वेक्टर पी तो ड्रॉ कर दिया, वेक्टर क्यू ड्रॉ करते हैं सेम पॉइंट से, ठीक है ना? वेक्टर क्यू, ये ड्रॉ हो गया वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, ठीक है? अब हम लोग इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। दो साइड्स मालूम है तो क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो उसी कॉमन पॉइंट जहां से पॉइंट ओ मान लेते हैं, जहां से पी और क्यू को ड्रॉ किया गया था, उसी कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस पैरेललोग्राम का। और ये जो डायगोनल है इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two successive sides of a parallelogram, then the diagonal from the common point will represent the addition of these two vectors. Let the angle between the vector P and vector Q is theta, and the angle between the angle vector P and vector R is alpha. But the resultant ka angle alpha hai. ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला वही ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। और अल्फा के लिए क्या लगेगा? ये तो मैग्नीट्यूड दे दिए, ये डायरेक्शन देगा, टेन अल्फा इक्वल टू Q sin theta upon P plus Q cos theta, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके सामने और एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और इक्वेशन नंबर टू जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। एंड टेन अल्फा इक्वल टू स्पेशल केसेस,
फर्स्ट केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स मतलब पी और क्यू की बात की जा रही है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, का मतलब क्या है, p वेक्टर इज पैरेलल टू q वेक्टर, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब क्या होगा, देन सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर थीटा जीरो हो गया तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos जीरो की वैल्यू वन, और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इस केस में r की वैल्यू कितनी आएगी, r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और ये तो फॉर्मूला है ना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा r इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी कि अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा, ठीक है, और डायरेक्शन कितना होगा, ऊपर साइन थीटा है जब वहां पुट करेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा जीरो, और अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल जीरो मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो, और अल्फा इक्वल टू जीरो क्या बताता है, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो भी उन्हीं दोनों के डायरेक्शंस के अलोंग होगा, पॉइंट नंबर टू। When two vectors are in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल हो, ठीक है, उस केस में थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, अगर टेन थीटा, थीटा 180 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है, तो यहां से आर आपको कितना मिल जाएगा, इसी मेथड से आप जब सॉल्व करोगे तो आर आएगा पी माइनस क्यू, मैंने माना है कि पी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्यू की अपेक्षा, ठीक है, तो आपको मिलेगा आर इक्वल टू पी माइनस क्यू, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होगा, बिगर वेक्टर के अलोंग, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर विल हैव द डायरेक्शन अलोंग बिगर वेक्टर, मतलब p अगर बड़ा होगा तो p के अलोंग होगा, ठीक है, जैसे मैंने माना है यहाँ पर कि p माइनस क्यू लिया है मैंने, तो p को मैंने बड़ा वेक्टर माना है तो इसका मतलब ये p के अलोंग होगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर, मतलब थीटा कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1। इस हिसाब से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थर्ड टर्म तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और टेन अल्फा कितना हो जाएगा क्यू अपॉन पी, ये टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर वेक्टर का बताया गया है। मैं कुछ डायरेक्शंस भी ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे यहां पर क्या है, ये वेक्टर पी है, ठीक है, और ये रहा वेक्टर मान लीजिए क्यू है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा वो इसी के लॉन्ग होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर जो दोनों के सम के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे, पी वेक्टर, Q वेक्टर और ये रहा R वेक्टर। ठीक है, इस वाले केस में देखा जाए कैसा, इस वाले केस में ये है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये हो गया आपका P वेक्टर मान लीजिए, और ये हो गया मान लीजिए Q वेक्टर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा आपका बड़े वाले वेक्टर के लॉन्ग, मतलब जो हमारा पी है ना उसके लॉन्ग, मैंने माना है कि पी बड़ा है इसलिए। ठीक, तो इस तरीके से होगा, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर और ये रहा आर वेक्टर। यहां पर क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में क्या पी वेक्टर ये है, Q वेक्टर ये है परपेंडिकुलर, तो R वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये P वेक्टर, ये R वेक्टर और ये Q वेक्टर 90 डिग्री पर है। तो ये सिचुएशंस है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।